Good morning everyone, me Shikha from RPS family. Welcome to online classes. Students, I am your GK teacher, so class 1 and subject GK. Student, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 18, ठीक है? तो चैप्टर 18 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था एग्जाम से पहले और हमारे एग्जाम में आया था चैप्टर 12, ठीक है? तो हम लोग आगे ज्यादा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो देखिए स्टूडेंट, चैप्टर 19 है आपका फेमस पीपल, ओके? तो फेमस पीपल जो है वो चैप्टर निकालिए अपनी बुक, पेंसिल, इरेजर और कॉपी, ओके? और देखिए फेमस पीपल चैप्टर 19 पेज नंबर 26, ठीक है? तो देखिए स्टूडेंट, देयर आर सम इंडियन पर्सनालिटीज हु आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. स्टूडेंट, कुछ भारतीय व्यक्ति हैं जो पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है, ठीक है? आप लोगों ने बहुत सारे लोगों का नाम सुना होगा जो प्रसिद्ध है ना? जैसे अमिताभ बच्चन, विराट कोहली. आप लोग किसी भी फील्ड में जाइए स्टूडेंट्स, अभिनेत्री, अभिनेता, है ना, नेता टाइप के लोग, या फिर ग्रेट मैन, खोजकर्ता, खोज करने वाले, ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध लोग हैं जो इंडिया में हैं, है ना, या थे, ठीक है? तो देखिए, इवन बिलो आर द पिक्चर ऑफ सम फेमस इंडियन पीपल. आइडेंटिफाई एंड राइट देयर नेम विद द हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स. तो देखिए स्टूडेंट, आप लोग अपनी पेंसिल निकालिए और नीचे क्लू बॉक्स में दिए हुए कुछ नेम्स लिखे हैं, ठीक है? तो आप लोग वो स्पेलिंग उससे देख लीजिएगा और जो मैं बोल रही हूँ वो आप अपने फिल इन द ब्लैंक्स में फुलफिल कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट? दैट इज क्लियर. देन नेक्स्ट वन, देखिए स्टूडेंट, वन में है यहाँ अमिताभ बच्चन की पिक्चर, ठीक है? आप लोगों ने अमिताभ बच्चन की बहुत सारी पिक्चर देखी होगी, ठीक है? तो ये आप लोग यहाँ पे लिखिए अमिताभ बच्चन, इसकी स्पेलिंग यहाँ क्लू बॉक्स में दी गई है, आप लोग यहाँ से देखकर यहाँ फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है? और टू देखिए, टू में है ए आर रहमान, ठीक है? तो आप लोग यहाँ पे फुलफिल कीजिए सेकंड नंबर फिल इन द ब्लैंक्स में ए आर रहमान, ठीक है? देन नेक्स्ट थ्री में है मैरी कॉम, ठीक है स्टूडेंट? तो आप लोग यहाँ पे फुलफिल कीजिए मैरी कॉम. देन फोर, स्टूडेंट ये बहुत ही फेमस है, अभी कुछ दिनों पहले इनका निधन हुआ था, है ना? तो ये है एपीजे अब्दुल कलाम. फोर नंबर में आप लोग लिखिए एपीजे अब्दुल कलाम. देन देखिए स्टूडेंट, एपीजे अब्दुल कलाम का फुल नेम आप लोग जान लीजिए. तो एपीजे अब्दुल कलाम का फुल नेम है, यहाँ बुक में नहीं दिया है, वो मैं आपको बता देती हूँ. अगर आप लोग चाहें तो अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं. एपीजे अब्दुल कलाम का फुल नेम है अबुल काकीर जैनूर अबादीन अब्दुल कलाम, ठीक है स्टूडेंट? तो आप लोग इसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं हमेशा याद रखने के लिए, ठीक है? देन नेक्स्ट चलिए फाइव में देखिए, ये है आपके क्रिकेटर, है ना, क्रिकेटर विराट कोहली, है ना? कौन है? विराट कोहली. तो आप लोग यहाँ पे फुलफिल कीजिएगा विराट कोहली, ठीक है? देन सिक्स इज मुकेश अंबानी. स्टूडेंट ये आपका दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? मुकेश अंबानी. इनको भी आप लोग जानते होंगे, ठीक है? और जो बच्चे नहीं जानते हैं वो जान लीजिए कि ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, ठीक है? दैट इज क्लियर. दिस इज कम्प्लीट. देन फाइल ओ फैक्ट. स्टूडेंट लता मंगेशकर द वर्ल्ड फेमस सिंगर फ्रॉम इंडिया इज नोन एज द मेलोडी क्वीन. स्टूडेंट लता मंगेशकर को हम एक और नाम से जानते हैं, उसको हम क्या, कौन से नाम से जानते हैं? मेलोडी क्वीन के नाम से, ठीक है? तो आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिएगा. फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, आप लोगों को बताया होगा मैंने, ठीक है? तो आप लोग देखिए, अब अपनी कॉपी निकालिए और नोट डाउन कीजिए, ठीक है? राइट द क्वेश्चन आंसर, ओके? राइट द सिक्स फेमस पीपल. स्टूडेंट राइट द सिक्स फेमस पीपल. तो सिक्स फेमस पीपल में आप लोग
क्या लिख सकते हैं, जो आप लोगों को मैंने अभी पढ़ाया है आप लोग वही लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, वन अमिताभ बच्चन, ओके, टू मैरी कॉम, थ्री ए आर रहमान, एंड फोर विराट कोहली, एंड फाइव मुकेश अंबानी, एंड सिक्स ए पी जे अब्दुल कलाम, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग चाहें तो इसकी जगह पे आप लोग कोई और एक्टर हो, ठीक है, कोई फेमस पीपल हो, कोई भी हो सकता, अदरवाइज कोई भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमने यहाँ सिक्स लिख कर दिया है तो आप यही लिखेंगे, ठीक है। और आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है, और अब नेक्स्ट क्लास में, दैट इज क्लियर। इसको अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से लिख कर लर्न कर लेना है, ठीक है। थैंक यू।